हाय गाइस, आज जब आपका भाई सो के उठा तो सोचा क्यों ना चला जाए अपने गेम में, ठीक है। और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। मतलब कि करीब 2 दिनों के बाद में आया हूँ अपने सर्वर में, तो भाई यहाँ कुछ अलग ही कांड हो रखा था। यहाँ देख सकते हो कि अपने बेस को किसी ने बंदे ने रेड मार रखा है, और इस बंदे का भी प्ले टाइम अच्छा खासा है भाई। ग्लाइडर नहीं है इसके पास, हंटर विंग है। मतलब बंदा अमीर है, कोई ना गाइस, हम कहाँ गरीब हैं, ठीक है। तो इसने देख सकते हो कि इसने ऊपर से रेड करा है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई ऊपर का डबल सीलिंग इसने तोड़ा है पहले, तो सीलिंग तो कोई भी बंदा नीचे से तोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, सही में यार इसने ऊपर का ही रेड करा है, ये देखो। और ये बंदा आया किधर से होगा, ये देखो भाई, इसने ऊपर की सीलिंग तोड़ी है सबसे पहले, और फिर डोर तोड़ा ये बंदा, ठीक है। ऊपर हमने ये एक्स्ट्रा छोटा सा रूम बनाया था, और इधर से भी बॉल तोड़ा इसने, इधर से भी बॉल तोड़ा। मतलब बंदे ने एक चीज़ समझ लो गाइस कि मतलब इसने बूड वाली ही चीज़ें तोड़ी है, और फर्नेस तो ये मेरी पूरी खाली कर गया होगा, ये तो पक्का कंफर्म है। देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, एक दो में है नहीं तो मतलब किसी में होगा नहीं। और इस बंदे ने बूड वाली छोड़ के बाकी सब मतलब जो भी थी, अरे बूड वाली मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब स्टोन वाली चीज़ें छोड़ के, डोर और बॉल छोड़ के इसने मतलब बूड की चीज़ों पर अटैक करा इस बंदे ने। और चलो भाई, पहले तो हम इसको रिपेयर मारते हैं अपने घर को, क्योंकि आपको पता होगा इसकी एक सोलो बंदा मतलब जब अपना घर बनाता है तो कितने ही प्यार मोहब्बत के साथ में बनाता है, और जब उसकी रेड हो जाती है ना यार, सही में बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और अभी हम हो चुके थोड़े से गरीब, और इस गरीब को चाहिए अभी थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह चाहिए, और लकड़ी स्टोन सल्फर आयरन जो भी है सारी चीज़ें चाहिए अपने को। अभी हमें करना होगा थोड़ा बहुत फार्म, ठीक है, अमीर बनने के लिए। इस सर्वर में अगर अमीर बनना है ना या इस गेम में, तो भाई आपके पास फार्मिंग मतलब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो फार्मिंग पे ध्यान ज़्यादा दो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना गाइस कि हम नूब है, यार नूब आप नूब नहीं हो, ठीक है। आप फार्म अच्छा करो, ठीक है, आप अमीर बन जाओगे इसमें, क्योंकि यहाँ पैसे की ज़रूरत तो है ही, साथ में पहले फार्मिंग की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई मैं तो एक चीज़ और बोलूँगा यार, बहुत सारे बंदे लोग बोलते हैं यार कि पे टू विन ये गेम है। भाई एक चीज़ बताओ यार, कौन सा गेम ऐसा है जो कि पे टू विन नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ गेम ऐसे हैं जो कि मतलब आप बोलोगे लूडो वगैरह भी, भाई मेरा एक फ्रेंड है वो रोज़ लूडो खेलता है, उसमें जानते कितने कमाता है, 2 से 3 हज़ार डेली का वो अर्न करता है। अब वो एक तरह से जुआ हो गया गाइस, ठीक है। मैं उस बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो भाई वो बगल में बैठा हुआ है, बोलेगा कि मेरे बारे में बता दिया इसने, ठीक है रहने दो, नहीं बताने वाला भाई तेरे बारे में कुछ भी, जा खुश रह तू, ठीक है। मेरे को तो अभी फार्मिंग चाहिए, और थोड़ी तगड़ी वाली फार्मिंग करनी होगी अपने को। लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई बोट की आवाज़ सुनाई दे रही थी गाइस। अब मैं बताऊँ यार, 1-2 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मेरी बहुत तगड़ी वाली कॉपीराइट आई है, ठीक है, उसको हटाना होगा उस वीडियो को, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो आज भर देख लो, लास्ट चांस है देखने का। लेकिन अब बताओ कि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे इनके भाई आपने गेम का साउंड क्यों बंद कर रखा है। तो देखो गाइस, जब आप एक चीज़ तो मैं देखा है इस फ़ोन में क्या है कि जब मैं कॉल पे बात करता हूँ ना, तो मतलब वो साउंड नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो मीडिया वगैरह जो इसमें यूज करते हैं, जब गेम का साउंड ऑन करूँगा ना, मतलब इंटरनल साउंड इसका, तो जो इसमें यूट्यूब वगैरह चला, अरे भाई ये बंदा कहाँ से आ गया यार, छोड़ो अभी हम उसको नहीं मारने वाले, क्योंकि इस बोट के पास शॉटगन वगैरह है, अपने पास ये है, ठीक है। अब इस बंदे को बढ़िया से मज़ा चखा दें। ये बंदा मेरे को पूरा चाप ही दे दिया था भाई, कुछ ज़्यादा ही चाप ले रहा था। अब निकल, तू निकल सीधे यहाँ से, दे भाई ये देखो भाई, इसके पास थोड़ी बहुत सामान है, मतलब समझ लो गाइस ये फार्मिंग अब मैंने करी है, ठीक है। जो मतलब समझना है समझ लो, ये फार्मिंग मेरी हुई, ठीक है। ये बंदा को अगर मैं नहीं मारता तो मेरे पास था भी कुछ नहीं, ये मुझे मार के भी कुछ नहीं लेके जा सकता था, ठीक है। आपके भाई ने देख लो 1 मिनट में इतनी सारी वुड फार्म कर लिया, ठीक है। अब आप लोग जैसे मैथ वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें मानते हैं ना, x मान के चला या फिर y मान के, तो समझ लो ये फार्मिंग मैंने करी है, ठीक है, बस इतना मान लो भाई। अब ये रहे भाई, ये यहाँ पे कोई और भी बंदा है गाइज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे, हाँ भाई है तो कोई बंदा है, देख लो पीछे एक बार बढ़िया से देख लेता हूँ यार, नहीं तो पता चले वो बंदा कभी भी आकर मुझे टपका सकता। वो रहा भाई, वो देखो वो रहा है सामने वो बंदा, ठीक है। मैं जूम करूं क्या, जूम नहीं करता हूं यार, देख लो, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं, वो रहा, देखो देखो आ रहा है वो बंदा सामने, ध्यान से देखो गाइस, वो मेरा ही पीछा कर रहा है। आई थिंक मैंने जो शॉटगन चलाई ना, उस बंदे ने सुन लिया है उस शॉटगन की बुलेट, ठीक है। अब मेरी शॉटगन की सारी बुलेट एंड हो चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए। भाई वो बंदा ऐसे तो दूर है गाइस, मुझे पकड़ तो नहीं सकेगा, लेकिन उसके हाथ में भाई एक पिस्टल,
ठीक है, कट्टा लेके वो बंदा घूम रहा है और अपने ऊपर आ गया है भाई पूरा चाप, अब अपने को भागना पड़ेगा।
थोड़े साइड में चलते हैं, फार्मिंग करते हैं इधर। ऐसे अपने को स्पेयर्स की भी ज़रूरत है यार, ठीक है, तो अपने को स्पेयर्स पे भी थोड़ी बहुत ध्यान देनी होगी। लेकिन सीन बड़ा तगड़ा लग रहा है यार मैप का, आप देख सकते हो हरी हरी घास है भाई, सोच रहे हो तगड़ी वाली सीन बनी हुई है। कोई बंदा लग रहा है सो रहा है यार मेरे हिसाब से सामने, ठीक है चलो मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि वो कहीं बंदा है ना, कि कभी कभी लकड़ी वगैरह भी पड़ी होती है गाइस, मतलब दूर की दृष्टि जो है ना इसकी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो इस बार तो ये सही निकला, बंदा ही निकला। आई थिंक ये हमसे भी ज़्यादा गरीब है, देख रहे हो इसके पास और भी कुछ नहीं है। तो भाई हम इस जो वर्ल्ड है ना, इस वर्ल्ड को हम गरीब फ्री वर्ल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो जितने भी गरीब हैं, जो भी बाहर में मिलेंगे मेरे को, हम उसको मार के ख़त्म कर देंगे। मतलब अपने को मतलब गरीब फ्री चाहिए, जो हमारा ये जो घर जहाँ पे बनाएंगे ना, एकदम गरीब गरीबों से फ्री होना चाहिए भाई, ठीक है। वो भाई एक और बंदा भाई, मतलब गरीबों की कमी नहीं है भाई, देख रहे हो, ये देखो एक और गरीब, चाइनीज है लेकिन गरीब है। ओ भाई ये थोड़ा अमीर बंदा दिख रहा है अपने से, कोई ना अब ये गरीब हो गया, ठीक है अब ये फुल गरीब हो चुका है, आप देख सकते। ओ भाई डीजे भाई क्यों कॉल कर रहे यार मेरे को? ओके डीजे भाई रुक जाओ एक मिनट, पहले हम इधर गेम को थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, इस गरीब बंदे को लूट के, ठीक है। इससे थोड़े से तो अमीर बन चुके हैं गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं हम भी थोड़े से अमीर बन चुके हैं। अब फिलहाल यहाँ डीजे भाई को कॉल आ चुका है, तो एक बार देख लेते डीजे भाई आखिर बोल क्या रहे। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए इतना ही, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।